भोजपुरी इंडस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब भोजपुरी सिनेमा देश के सिर्फ भोजपुरी बोली वाली राज्यों में ही देखी जाती थी, लेकिन उस वक्त इन दर्शकों में भी काफी कमी थी और फिल्मों का बजट भी बहुत कम होता था। पर आज बदलते हुए टाइम में भोजपुरी सिनेमा का रेट और बजट भी आधुनिक हो गया है। आज भोजपुरी फिल्मों के शौकीन लोग आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। बहुत समय से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर ये इल्जाम लग रहा है कि इंडस्ट्री में फिल्मों के नाम पर अपने दर्शकों को फुहड़ता परोसी जा रही है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में बनी कुछ फिल्मों ने इस मिथ को तोड़ दिया है। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी कहानियों पर फिल्में बनने लगी हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्में करोड़ों का कारोबार करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि निर्माता फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन कितना भोजपुरी फिल्म निर्माता एक बड़े बजट की फिल्म में कितना पैसा खर्च करते हैं, आइए जानते हैं कि आखिर भोजपुरी सिनेमा की कुछ सबसे महंगी फिल्मों का बजट कितना था। नंबर वन, वीर योद्धा महाबली। इंडस्ट्री में बाहुबली की तर्ज पर फिल्में बन रही हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव इस मौके को कहां छोड़ने वाले थे। बता दें कि निरहुआ फिल्म वीर योद्धा महाबली में शानदार किरदार निभा रहे हैं और ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। खबरों की माने तो ये महाबली भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट लगभग 10 करोड़ होगा। नंबर टू, निरहुआ चलल लंदन। निरहुआ की ये फिल्म पूरे लंदन में शूट हुई है, जिससे फिल्म की लागत काफी बढ़ गई है। निरहुआ की इस फिल्म का बजट लगभग 4 करोड़ है। नंबर थ्री, मैं सहरा बांध के आऊंगा। खेसारी लाल यादव की ये फिल्म भी हमारी लिस्ट में शामिल है। ये फिल्म खेसारी के जीवन की सबसे महंगी फिल्म है और इसका बजट करीब 1.5 करोड़ के आसपास का है। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए खेसारी ने काफी मेहनत की है। एंड नंबर फोर, चैलेंज। पवन सिंह की ये फिल्म भी हमारी लिस्ट में शामिल है और पवन सिंह इस फिल्म में एक दबंग पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ जबरदस्त गाने भी हैं। इस फिल्म का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।